Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं कि पीटीआई ने अपने प्लान के मुताबिक कल पूरे पाकिस्तान के वर्कर्स को बुलाया हुआ था कि जैसे उन्होंने फैसला करना था पैनामा पेपर्स का, उन्होंने कल सेलिब्रेशन रखी हुई थी कि इस्लामाबाद में जश्न मनाया जाएगा। खान साहब, पाकिस्तान की कौम जश्न जरूर मनाएगी, आयन और जमहूरियत की फतह का जश्न जरूर मनाया जाएगा। आप जैसे आयन शिकन लोग, आप जैसे जमहूरियत पर शब खून मारने वाले लोग, आप जैसे वो लोग जो जमहूरी हुकूमतों का दड़म तख्ता करना चाहते हैं, वो इंशाल्लाह ताला दरे के दरे रह जाएंगे। मैं कल एक नाला लई के गंदे नाले के कीड़े की एक बात सुन रहा था कि वो नवाज शरीफ साहब की जरा करना चाहता है। शेख रशीद, तुम नवाज शरीफ साहब के 25 साल जूते पॉलिश करते रहे, उनको उनके बच्चों के कुत्ते तक नलाते रहे, तुम इस काबिल भी नहीं हो। आज मैं शेख रशीद को चैलेंज करना चाहता हूं। ये कहता है कि शेख रशीद एक मजदूर है, चले मान लेते हैं तू 85 में तेरे पास मोटरसाइकिल था, जब नवाज शरीफ साहब के मुंशियों के पास भी मर्सिडीज गाड़ियां थी, और तुम्हें याद है कि मॉडल टाउन 179 में बैठकर रोजाना उनके बच्चों को तुम फुटबॉल के टिप्स दिया करते थे। आज तुम कहते हो कि मैं एक मजदूर हूं, माना तुम मजदूर हो। आज आबिद शेर अली का इस मीडिया के तवस्से से तुम्हें चैलेंज है कि तुम मेरी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लो और अपनी मुझे दे दो। खुद ही पता चल जाएगा कि तुम कितने मजदूर हो और तुम्हारे सोर्स ऑफ इनकम क्या है। 85 में एक बंदा मोटरसाइकिल से चला, आज महलों का मालिक है, आज फार्म हाउसेस है उसके पास, मोटरवे के साथ साथ उसी हजारों एकड़ जमीन उसके नाम है। उसके पास ये कीमत, ये चीजें, बेश कीमत चीजें कहां से आ गई? शेख रशीद, आज अगर तुम मेरा चैलेंज नहीं कबूल करते तो तुम्हें नाला लई के अंदर डूब के मर जाना चाहिए। और दूसरा, शाह महमूद कुरैशी कल बड़ा भुड़क रहा था, चले तुम्हें भी चैलेंज करता हूं। पहले तो तुम अंग्रेजों के कुत्ते नहलाते थे, उसके बाद तुमने पाकिस्तान के गरीब लोगों का खून चूसा, पीर बन के, जाली पीर, डब्बा पीर, वो डबल शाह या ट्रिपल शाह है। पहले जब पीपल्स पार्टी के दौर में ये फॉरेन मिनिस्टर था, अपने बेटे को अमेरिकन सेनेटर के साथ नौकरी दिलाई, उनकी चापलूसी की। आज मैं शाह महमूद कुरैशी से पूछता हूँ, पूरे कौम के लिए नजराना पीर से पूछता हूँ, जो नजराने लेता है एक पट्टी नजराने की, जो चढ़ावे चढ़ते हैं, कौम को बताओ कि कितने अरब रुपए के चढ़ावे चढ़ते हैं और कितने रुपए तुम उस पर टैक्स देते हो। ये नजराने पीर, सरबारों के तेल चोरी करके बेचने वाले लोग आज ये बात करते हैं नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबल आकर। पहले नून लीग में रहा, फिर पीपल्स पार्टी में गया, फिर ये अब पीटीआई में गया। ये लोग जमीर फरोश और ईमान फरोश है बड़े, इसके अंग्रेजों के आगे पाकिस्तान मुसलमानों की जमीर फरोशी करते रहे मुसलमानों के लिए। ये लोग अपने अंग्रेजों के साथ, उनके कुत्तों के साथ दौड़ते थे, आज इख्तदार के लिए पागलों के साथ दौड़ रहे। और वो बेगानी शादी में दीवाना दूल्हा, कल चौधरी शुजात साहब भी तशरीफ लाए थे यहाँ पे, दूल्हा दीवाना जो बेगानी शादी में, और बिल बनाई आज अंदर। अगर चौधरी साहब से NICL के स्कैंडल के बारे में पूछ लिया जाता, बैंक ऑफ पंजाब के बारे में पूछ लिया जाता, चौधरी साहब आपके बड़ों पर शरीफ खानदान के बड़े एहसान हैं, आप वही चौधरी शुजात थे जिन्होंने सेनेट की सीट लेने के लिए नवाज शरीफ की BMW को कंधों पे उठाया था, आप कौमी असेंबली का इलेक्शन हार गए थे, नवाज शरीफ ने
आपके खानदान के साथ कमिटमेंट की, लेकिन आज आपको शर्म आनी चाहिए। मैं कहना नहीं चाहता था आपको, चले नवाज शरीफ तो अपना हिसाब किताब चार नस्लों का दे रहा है, आप एक हवालदार के बेटे थे, आपके अबाऊ जिदाद की कोई पाकिस्तान में जायदाद नहीं थी। क्या आप बताना पसंद करेंगे कि स्पेन में बेनामियां किसकी हैं, इटली में बेनामियां किसकी हैं, पेरिस के अंदर बेनामियां किसकी हैं? और ये मुझे समझ नहीं, ये सारे चोर बैठते आज आपके, सारे दूर भी नहीं है, वो कितने नहीं घूमती क्या, पता नहीं कोई शिकार मिलने वाला है। 22 करोड़ आवाम का शिकार कोई नहीं कर सकेगा। हम उम्मीद और तवक्को करते हैं इस अदालत उज़्मा पे, जहाँ पे पाकिस्तान के महबूब जजेस बैठते हैं, ये अदारा आईन और कानून के मुताबिक फैसले करता है, ना कि किसी की मंशा के मुताबिक फैसला करता है, ना किसी पकौड़े बेचने वालों के कागजात की बिना पर फैसला करता है, ना कि जो कागजात बकौल उनके वकील के सर्टिफाइड नहीं है, अनसर्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स पे फैसले नहीं होते। अदालतों में शहादतें और कानून बोलता है, और इंशाअल्लाह ताला वो शहादतें और कानून नवाज शरीफ के हक में बोलेगा, और हम अल्लाह रब्बे करीम के आगे दुआ गो है कि जो कल जश्न मनाने के वस में एक वर्कर से नजर रखा इस्लामाबाद में, ये कितनी बड़ी साजिश थी कि कल वर्कर कन्वेंशन रखा कि उनको उम्मीद दिलाई गई थी कि कल जैसे फैसला आ जाना है। फैसले मैंने आपको पहले ही कहा है आईन और कानून के मुताबिक आते हैं। हम तवक्को करते हैं इंशाअल्लाह ताला इस अदालत उज़्मा से कि आईन और कानून के मुताबिक फैसला करें। एक मिनट, यहाँ पे मेरे भाई ने जो गुफ्तगू की है, इन्होंने गुफ्तगू में वो तमाम सियासी चेहरे जो कि मुफाद की सियासत करते आए हैं, जमीर फरोशी की सियासत करते आए हैं, उनको बेनकाब किया, लेकिन उसके साथ साथ जो JIT का असल चेहरा है वो भी आपके आगे बेनकाब करना बहुत ज़रूरी है। जो हमने एतराज़ात JIT की तफ्तीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कल जमा करवाए हैं, उसमें हमने ये वाजिया तौर पे ग्राउंड ली है कि JIT ने अपने मैंडेट से तजावज़ किया है। JIT का मैंडेट सुप्रीम कोर्ट ने 13 सवालात तक रखा था, JIT ने अपनी तरफ से कुछ सवालात खुद से उस तफ्तीश में शामिल कर लिए, और JIT ने ऐसे अदारों से रابطہ किया, ऐसी फर्मों से रابطہ किया जो कि कानूनी तौर पे जिनकी कोई हैसियत नहीं है। वाजिद ज़िया का अपने कज़न को लंदन में लाखों पौंड का वाजिद ज़िया का अपने कज़न को ये काम देना जो कि बरतानिया की हुकूमत ने करना था, एक बहुत बड़ी बदअनवानी है। पाकिस्तान में कोई भी वजीर, कोई भी मशीर, कोई भी सेक्रेटरी अपने भाई या कज़न को अपने अदारे का ठेका नहीं दे सकता। वाजिद ज़िया ने गैर कानूनी तौर पे अपने फर्स्ट कज़न को, जिसका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, उसको करोड़ों लाखों पाउंड फीस के एवज मुस्लिम लीग नून के खिलाफ साजिश करने की पूरी जो एक सोची समझी साजिश थी उसका हिस्सा बनाया। आपको क्या इतनी जल्दी थी भाई, आप वज़ीर आज़म को नाअहल करने के लिए कानून की धज्जियां इस तरह से उड़ाना चाहते हैं? वो वज़ीर आज़म जिसके बारे में पनामा में इस पूरी तफ्तीश में कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं, कोई भी ऐसा कागज नहीं जिसकी वजह से वज़ीर आज़म को नाअहल करार दिया जाए, आपने उनको नाअहल करार देने के लिए अपने कज़न को, अपने फर्स्ट कज़न को लंदन में एंगेज किया और लाखों पाउंड फीस दी। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट आपकी ये रिपोर्ट बिल्कुल उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, और इस रिपोर्ट के बीच में मैंने ये पहली तफ्तीश देखी है जिस तफ्तीश के बीच में सुप्रीम कोर्ट को तजवीज़ दी जा रही है कि आप इनको गुनाहगार करें, आप इसको इस कानून के नीचे गुनाहगार करें। ये कानून की ये ताज़ीदात है पाकिस्तान या नैब ऑर्डिनेंस की, इस आर्टिकल के नीचे, इस सेक्शन के नीचे ये गुनाहगार होते हैं। भाई आप कौन है सुप्रीम कोर्ट को कानून बताने वाले?
सुप्रीम कोर्ट तो खुद कानून नाफिज करने का पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है। सुप्रीम को पता है, सुप्रीम कोर्ट को ये पता है कि कौन सा कानून क्या कहता है, किस कानून के नीचे सजा दी जा सकती है। यहाँ से साजिश की बू आती है कि आप अपनी तरफ से वो काम कर रहे हैं जीआईटी वाले जो कि आपकी हदूद से तजावज करता है। तो इस मौके पे ये कहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो केसेस जो कि माजी में बंद हो चुके हैं, हदीबिया पेपर मिल का केस जिससे मुतल्लिक 1993 में फौजदारी कार्रवाई हो चुकी है, 1994 में हो चुकी है, 1997 में हो चुकी है, हाई कोर्ट की पटिशनों में जिसका फैसला हो चुका है, आप किस तरह से वो केस मुकदमा दोबारा से शामिल तफ्तीश कर सकते हैं। आपने पूरी की पूरी तफ्तीश में इतने गैर कानूनी इकदाम किए हैं जिसकी इंशाल्लाह ताला अदालत उज़्मा में हम धज्जियां उड़ा के रख देंगे और इसका पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। मनाजिर आप देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बाहर के आबिद शेर अली और मोहसिन रांझा मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू कर रहे थे और तमाम जो मुखालिफीन हैं उनको शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया आबिद शेर अली की जानिब से और इसके साथ साथ मोहसिन रांझा की जानिब से भी तनकीद का निशाना बनाया गया और साथ ही आबिद शेर अली कहते हैं कि गुज़िश्ता रोज तहरीक इंसाफ की जानिब से जश्न मनाने की कोशिश की गई थी, पूरे पाकिस्तान से कारकुनों को बुला लिया गया था, लेकिन फतह का जश्न ज़रूर होगा लेकिन जमहूरियत की फतह का जश्न होगा। शेख रशीद अहमद को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और उनकी जानिब से कहा गया कि शेख रशीद ने 25 साल नवाज शरीफ के जूते पॉलिश किए। इसके साथ साथ और भी उन्होंने गुफ्तगू की, शाह महमूद कुरैशी के हवाले से कहा कि वो नजराने लेते हैं और चौधरी शुजात हुसैन के हवाले से भी उन्हें सेनेट की नशस्त लेने पर तनकीद का निशाना बनाया। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना का मुहावरा भी उन्होंने बोला और उसको भी गलत बोल गए और बजाय इसके कि अब्दुल्ला दीवाना कहते हैं दुल्हा दीवाना, उस मुहावरे को उन्होंने तब्दील कर दिया। तो मीडिया से गुफ्तगू उन्होंने की, खासे जज्बाती नजर आए और सुप्रीम कोर्ट में मामले की समाअत अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। अब तक के लिए इतना ही, मजीद अपडेट रहने के लिए आप